मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती की मांग के लिए मैदान संभाल लिया है। राजधानी भोपाल में शुक्रवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत की शुभकामनाएं देकर प्रदेश के शिक्षा भर्ती की मांग की है। पिछले लंबे समय से शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे पात्रता उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का राजधानी भोपाल में अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के एक दिन पूर्व प्रदेश भर के कोने कोने से अभ्यर्थी भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा पदाधिकारियों को गुजरात में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। साथ ही मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। अभ्यर्थियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम राज स्कूल में शिक्षकों की सीधी भर्ती कराने की मांग भी दोहराई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिंदाबाद, हमारे भारत की नारी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, मातृभाषा को सम्मान दिया जाए, जिंदाबाद, 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 सीएम साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक भर्ती में उन पदों को भी भरा जाए जो हमारे उपेक्षित विषय है, प्रमुख रूप से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू एवं मातृभाषा हिंदी, वर्ग दो में उनके नाम मात्र के पद घोषित किए गए, उनको बढ़ाया जाए। वर्ग एक में भी हिंदी, समाजशास्त्र, कृषि, भूगोल, इतिहास, उर्दू, रसायन, संस्कृत, ये सब जो पद हैं, नाम मात्र के 10 वर्षों के बाद शिक्षा भर्ती शुरू होती है। तो हमारी जो बधाई के साथ साथ एक मांग थी कि हम लोगों को भी शिक्षक बनने का मौका दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हिंदी भाषा को बढ़ावा देती है। इंजीनियर और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा की उपेक्षा की जा रही थी। तो हम आदरणीय अध्यक्ष जी को और शिवराज जी को यह बात बतलाने आए थे कि हिंदी भाषा को सम्मान दें, हिंदी को पहली प्राथमिकता दें, अन्य भारतीय विषय भाषाओं को भी महत्व दें। इनके लिए हम कई बार आवेदन, प्रदर्शन, धरना कर चुके थे, लेकिन आज अवसर था, मौका था कि हम भाजपा परिवार के हैं, हम सब भाजपा के ही, भाजपा परिवार के, और तो भाजपा परिवार से हम मांग करते हैं कि हमें भी शिक्षक बनने का अवसर दिया जाए, जिससे कि हम यहाँ की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुधार सकें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करा सकें। इसलिए आज हम आवेदन देने आए थे और आदरणीय कार्यालय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द आपकी मांगों को। इस दौरान बड़ी संख्या में पात्र अभ्यर्थियों के साथ भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां सीएम शिवराज और बीडी शर्मा की अनुपस्थिति में अन्य पदाधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।